आजीविका मिशन की सभी इकाई पड़ी है बंद। समूह के नाम पर हो रही लूट। श्योपुर जिले के मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आजीविका मिशन द्वारा समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से जिले भर में अनेकों इकाइयां की स्थापना की गई, जहां इकाइयों के माध्यम से सिलाई सेंटर के साथ ही साबुन इकाई और अगरबत्ती इकाई के साथ ही नर्सरी भी स्थापित की गई, जिससे कि समूह की महिलाओं को काम प्रदान कर उन्हें काम के बदले पैसा मिल सके, जिससे समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। मगर देखने में आ रहा है कि आजीविका मिशन द्वारा समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से कराहल क्षेत्र के गौरस में साबुन निर्माण इकाई, सिलाई सेंटर के साथ अगरबत्ती निर्माण इकाई स्थापित की गई, जिसको लेकर कुछ मशीनें भी गौरस और कलाई तलाई पर लगाई गई, जहां साबुन अगरबत्ती और सिलाई इकाई स्थापना के कुछ समय बाद ही बंद कर दी गई। स्थानीय निवासी और समूह की महिलाओं ने बताया कि शासन द्वारा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मिशन के नाम से समूह बनाए जाते हैं, लेकिन आजीविका समूह की महिलाओं को NRLM द्वारा कोई रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। स्थिति यह है कि गौरस व काली तलाई में सुबह समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान किए जाने के उद्देश्य से स्थापित इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं, जहां मशीनों का भी कोई अता पता नहीं। जब सच कहें तो आजीविका मिशन में समूह के नाम पर जमकर लूट की जा रही है। इतना ही नहीं, समूह की महिलाओं को कार्य नहीं देते हुए NRLM द्वारा अपने चहेतों के समूह के साथ स्थान पर कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि NRLM के DPM सोहन कृष्णा मुद्गल इकाइयों के संचालन के साथ समूह को काम देने की बात कर रहे हैं, मगर संचालित इकाइयों के स्थापना स्थल पर धरातल पर कुछ बचा ही नहीं। ना तो इकाइयां चालू हैं, ना ही इकाई के संचालन को लगाई गई मशीन ही मौके पर उपलब्ध है। ऐसे में भी श्रद्धालुओं के द्वारा किए जा रहे दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। दो साल हो गए, दो साल हो गए फैक्ट्री डाले। अभी क्या स्थिति है? अभी बंद पड़ी है? बंद है। कब से बंद है ये? हर की बंद है। तो कुछ दिन चली मतलब? सर, NRLM द्वारा कुछ इकाइयां चालू की गई थी, सिलाई अगरबत्ती साबुन वगैरह की, क्या स्थितियां इस वक्त उनकी? वो अभी चालू है। जैसे सिलाई की इकाई है गोरस में, ऐसी 38 सेंटर है हमने पूरे श्योपुर में, और ये संचार अभी तिरंगा झंडे का निर्माण किया, स्कूल ड्रेस का निर्माण करती हैं, और बाकी साबुन का जब ऑर्डर मिलता है तो साबुन भी तैयार किए जाते हैं। वाशिंग पाउडर की इकाई हमारे पास है, और कई जिलों में वाशिंग पाउडर भेजा गया, जैसे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन जगह हमारी महिलाएं। अगरबत्ती की क्या पोजीशन है? अभी अगरबत्ती निर्माणाधीन है हमारी कुछ इकाइयों में। जैसे गोरस में देखा गया है कि आपकी सिलाई की, अगरबत्ती की और साबुन की इकाइयाँ बंद पड़ी है, और बदतर स्थिति में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बदतर स्थिति में नहीं, अभी सिलाई का, जैसे अभी तिरंगे झंडे सिले थे गोरस में, उसके बाद जैसे सिलाई का काम आ रहा तो सिलाई का काम चालू हो जाएगा। एक पौधरोपण का भी आपकी एक इकाई चल रही थी पौधशाला के नाम से, जिसे अपन नर्सरी भी कह सकते हैं, उसकी क्या स्थिति है? अभी हमारे पास 3 नर्सरियां हैं। कहाँ कहाँ पे? सृजना की है, जो कि अपने आजीविका अनुसंधान केंद्र है CTC श्योपुर में, और दूसरी अपनी कर्राई में है, जो मुनगा के पौधे लगे हुए हैं 40-40 हज़ार। गोरस में भी आपकी एक इकाई बताई थी, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, गोरस में हम पौधे रखते हैं ला करके, जब सीजन आता है तब हम पौधे डंप करते हैं, रखते हैं, उसके बाद आसपास के गांव में वहां से उठा उठा के ले जाते हैं। जैसे अभी अमरूद का काम चल रहा है, गाड़ी आती है, खड़ी होती है एक जगह, फिर वहां से पौधे उतरते हैं, जगह जगह ले जाए जाते हैं, उनको रखने के लिए 4-6 दिन के लिए तैयार किया जाता है अस्थायी रूप से।